इसको ऑपरेशन दोस्तों मुझे बहुत पसंद आया है। देखो ऑन मिरेकल मिरेकल ऑफ। दोस्तों आज मेरे पास बहुत ही स्पेशल दो अलग अलग सेंसर्स है। वेल, दोनों IR सेंसर्स हैं लेकिन आपस में अलग है। इनका यूज करके आप किसी भी कबर्ड में या कैबिनेट में जिसमें दरवाजा हो या ना हो ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम लगा सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है अजिंक्य और आज मैं आपको इन दोनों IR सेंसर्स के बारे में कम्प्लीट बताने वाला हूँ। इनका वर्किंग भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये सेंसर उन लोगों के लिए है जिनको कम से कम मेहनत करके अपने वार्डरोब या कैबिनेट्स में ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम लगानी है। दिस सेंसर्स आर लाइक प्लग एंड प्ले। चलो फिर डायरेक्ट इन सेंसर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन में ऑल सिलेक्ट करना ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइज, यहाँ पर दो सेंसर्स आपको दिखेंगे। एक है हैंड वेविंग IR सेंसर और दूसरा है सरफेस माउंट IR सेंसर। तो सबसे पहले देखते हैं इस हैंड वेविंग IR सेंसर को। इसकी एक रैम्प शेप में अटैचमेंट मिलती है जहाँ अगर आप इसे किसी एंगल पे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। सो गाइज, इसमें ये एल्यूमिनियम केसिंग में ये आता है लंबा सा IR सेंसर और डिज़ाइन भी इसकी बहुत ही स्टाइलिश है और इसका मॉडल नंबर है S1002A। यहाँ पर दो वायर्स हैं, एक है इनपुट पावर सप्लाई के लिए और एक आउटपुट LED को कनेक्ट करने के लिए। केबल्स इसमें आपको 1500 mm यानी 1.5 मीटर लंबी मिलेगी। इसमें आपको 3M की डबल साइडेड टेप ऑलरेडी लगी हुई मिलेगी, तो आपको सिर्फ इसे पील करके लगाना ही है। ये सेंसर DC 12 वोल्ट पर चलता है और 60 वॉट आउटपुट देता है। तो इसका वर्किंग मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है 12 वोल्ट DC पावर सप्लाई, यहाँ पर है 12 वोल्ट LED स्ट्रिप, येलो कलर की है और ये रहा सेंसर। तो सिंपली क्या करना है, पावर सप्लाई को इनपुट में लगाना है और इस 12 वोल्ट LED स्ट्रिप को आउटपुट में लगाना है। ये स्पेसिफिकली बना है उन स्टोरेजेस के लिए जहाँ पर दरवाजा नहीं है। जैसे किचन में बहुत सारे स्टोरेज प्लेसेस होते हैं जहाँ पर दरवाजा नहीं होता, तो अगर लाइट्स को ऑन करने के लिए दरवाजा नहीं है तो फिर लाइट्स कैसे ऑन होंगी? सिंपली हाथ घुमाने से। इस सेंसर के सामने आप एक बार हाथ घुमाओगे तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी, वो भी स्मूथली। एंड इन द सिमिलर फैशन और एक बार हाथ घुमाने से लाइट स्मूथली ऑफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट की एक सिंगल ही स्ट्रिप लगाई है जहाँ पर 3 LEDs हैं। आप कंप्लीट एक LED स्ट्रिप भी लगा सकते हो, 60 वॉट तक ये आउटपुट देता है। तो 12 वोल्ट पावर सप्लाई और 12 वोल्ट LED स्ट्रिप का यूज करके आप इस सेंसर को आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर सेंसिंग डिस्टेंस की बात करें तो आप यहाँ पर खुद ही देख लोगे कितना सेंसिंग डिस्टेंस है। यहाँ पर नहीं हो रहा है सेंस, तो ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर्स इसका सेंसिंग डिस्टेंस है। तो गाइस, ये था हमारा आज का पहला सेंसर। सेकेंड सेंसर जो हमारे पास है वो है सरफेस माउंट सेंसर। अभी सेंसर को आप सिंपली वार्डरोब्स में या क्लोजेट्स में, मतलब जहां पर भी दरवाजा हो वहां पर लगा सकते हो। अनलाइक दैट हैंड वेव सेंसर, इसमें आपको हैंड वेव करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने दरवाजा क्लोज किया तो ऑफ हो जाएगा, दरवाजा ओपन किया तो ऑन हो जाएगा, जस्ट लाइक द प्रीवियस सेंसर विच वी सॉ इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस सेंसर में आपको ये मेन यूनिट मिलेगा, यहाँ पर सेंसर लगेगा, सेंसर में ये अटैचमेंट है। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, सिंपल है, लग गया। यहाँ पे आपको 1 मीटर लंबी वायर मिलती है, ये सिंपल IR सेंसर है। और इस मेन यूनिट में दो होल्स हैं जहाँ आप दो स्क्रू लगाकर इसे आराम से किसी भी वार्डरोब या कबर्ड में लगा सकते हो। सेकेंडली, यहाँ पर ये माउंट दिया है स्पेशल सेंसर को अटैच करने के लिए। इसमें भी एक होल है जहाँ स्क्रू लगाकर आप इस माउंट को फिक्स कर सकते हो, यानी इस सेंसर को सिंपली आपको इस माउंट में फिक्स कर देना है एंड द वर्क इज डन। अब इस किट के साथ भी आपको एक सिल्वर टेप मिलती है जिसे आपको उस दरवाजे के पॉइंट पर चिपकाना है जहाँ क्लोज करने के बाद सेंसर पॉइंट कर रहा हो। ये भी दोस्तों DC 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है और आउटपुट भी 60 वॉट ही देता है। इसका वर्किंग भी देख लेते हैं दोस्तों। अभी ये रही हमारी 12 वोल्ट की पावर अडैप्टर की वायर और ये रही हमारी LED स्ट्रिप। LED ऑन हो गई है क्योंकि अभी सेंसर के सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। LED ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन। तो आपको बस वो सिल्वर टेप जो इसके साथ मिलती है वो लगानी है जिससे आपको इसका एक अच्छा सेंसिंग रेंज मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि ब्लैक सरफेस इस पर बहुत ही कम डिस्टेंस देता है। ये सेंसिंग डिस्टेंस ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर तक देता है और वही हम अगर वाइट सरफेस का यूज़ करें, ये रहा वाइट सरफेस, और इसका यूज़ करें तो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। पिछले वाले सेंसर में थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, इसमें थोड़ा सा ही बढ़ता है।
इट इज सफिशियंट फॉर कैबिनेट वार्डरोब्स कबर्ड्स एटसेट्रा। सो गाइस ये थे दोनों सेंसर्स जिनका वर्किंग मैंने आपको करके दिखाया, दोनों के एप्लीकेशन भी बताया है। ये उन वार्डरोब्स या कैबिनेट्स में यूज होता है जहाँ पे दरवाजा हो, और ये सेंसर ओपन कैबिनेट्स में यूज होता है या फिर ओपन क्लोजेट्स में यूज होता है। अगर बात करें इस प्रोडक्ट के परचेस की, तो इस प्रोडक्ट की जेन्युइन परचेस लिंक अभी हमारे पास आनी है, जैसे ही आती है वैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल या डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने नहीं किया है कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कुछ वीडियोस में हमेशा आपके लिए जाते रहूंगा।